हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। तो कैसे हैं भाई आप सब? और आज का जो दिन है वो हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। सो ब्रूनो पार्क से घूम के आ गया है। सुबह 6:30 बजे हम गए थे और 8 बजे हम आए हैं। आज हम कुछ एक दूसरा स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे शिफ्ट करनी है। कुछ चीज़ें जो है हमें इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो होगा, एसी लगना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की पेंडिंग रहेंगी और आज हम उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना, मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो एक दूसरा स्टूडियो सेटअप किया है उसमें हमने एसी का खर्चा बचा लिया। हमने अपना जो पुराना एसी था वो उतार के वहाँ पे लगा दिया है और ये मेरे दिल के बिल्कुल पास है ये एसी, क्योंकि ये जब लगवाया था ना उस टाइम पे वो जो मेरी जर्नी थी वो पूरी एक अलग वीडियो में मैं शेयर करूँगा, पूरा एक डिटेल बताऊँगा। तो इसलिए ये मेरे को ना बहुत ख़ास है ये चीज़। और जो जो मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पुराने स्टूडियो की है ना, वो मेरी सारी ही बहुत 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 ज़्यादा खास है। चाहे वो एक कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है और बड़े से बड़ी चीज़, बट वो इतनी ख़ास है ना कि वो उनके बिना एक ये होता कि मिसिंग लगता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट अभी थोड़ा बजट को ध्यान में रख के और थोड़ी चीज़ों को मतलब सस्ते में निपटाने के लिए मैंने ऐसा डिसीज़न लिया और हमने फिर ऐसा इसको फाइनल किया। तो अभी अंकल आए हैं तो उन्होंने हमारा एसी जो है वो उतार दिया है। और ये रही बुनू की फ्रेंड, इसका नाम है पीयू। स्कूल में बुलाते आद्या। और घर पे रूही। रूही, रूही नाम है इसका घर पे। और आद्या कौन से स्कूल में हो आप? दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। ये ब्रूनो की नई फ्रेंड है और ये बहुत दूर से आई है। पहले एक बार आई थी, अभी दोबारा से आई है। तो इसको ब्रूनो बहुत प्यार करता है और ये भी ब्रूनो को बहुत प्यार करती है। जैसे इसकी आवाज़ सुनता है ना भाग जाता है कि चलो मैं चाहता हूँ खेलने। ये रहा ये वाला एसी जो है हम उतरवा रहे हैं हिटाची का। ये हमने सबसे पहले लगवाया था जब स्टूडियो में हम आए थे, तो इसी को हमने आज उतार के दूसरी जगह लगाना है। ये पूरा इसका मतलब ये फिक्स जो है ये यहाँ पे हुआ है अंदर वाले में, और बाहर वाली जो यूनिट है वो अंकल ने उतार दी है। ये रहा ब्रूनो, कटिंग वाला ब्रूनो है, कटिंग वाला ब्रूनो। बुनो तेरे बाल गए? बाल किसको दिया है? बुनो किसको दिया है बाल? और ये आउटडोर यूनिट जो है ये निकाल दी है अंकल ने, रखी हुई। और ये लगी हुई थी यहाँ पे, इसका स्टैंड जो है वो भी हमने निकलवा दिया है, क्योंकि हम दूसरा लगाएंगे तब दूसरा लगा लेंगे, अभी के लिए हमने इसको निकाल दिया। और यहाँ पे हो गए हैं बहुत सारे होल्स, अब इनको छुपाने के लिए हमें यहाँ पे करना कपड़ा का पेंट, तो हम बाद में देख लेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है इतना खास। और एक दूसरा रीज़न भी था कि इसकी पाइप जो है ना ये अराउंड 10 फीट की है, सो वहाँ पे जो हमें चाहिए ना वो भी 10 फीट ही चाहिए, तो दोबारा से मेरे को पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। तो एक रीज़न ये भी था। और बाकी ये देखो थोड़ा सा तो ये गंदा है, मुझे लग रहा है इसकी सर्विस करनी पड़ेगी, बट बाकी देखते हैं वहाँ पे लगाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद कि करेंगे या नहीं करें क्या रहेगा। इसकी सर्विस भी हो गई है भाई, और काफ़ी गंदा हुआ था तो अंकल ने बोला कि भी सर्विस भी थोड़ी कर ही देते हैं। अभी उतरा हुआ है ना एसी, तो ठीक है अभी हम वहाँ लगवाएंगे। थोड़ा स्पेस भी बड़ा है तो कूलिंग भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैंने स्टेबलाइज़र भी पूछ लिया था कि हम वो लगवा लें या ना लगवाएं, ताकि कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं आएगी। बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती यहाँ पे, ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो अच्छी रहती है, सो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। बाकी अभी सर्विस कंप्लीट हो गई है, अब बस इसको वहाँ पहुँचाना है। बाकी रिक्शे वाले ने बोला कि भाई वो 200-250 रुपये लेगा, उसमें भी एक बंदा हमारी तरफ से चाहिए कि जो इसको उतार के नहीं किया। मैंने कहा भैया कैंसिल करो, हम अपनी गाड़ी में रखेंगे और इसको पहुँचा देंगे, हम अपने 200-250 रुपये बचा लेंगे, सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और इतना कोई पेट्रोल भी नहीं लगना, 2 मिनट मुश्किल से लगने वहाँ पहुँचने में, उतार के वहाँ पे फिटिंग हो जाएगी, हम इतने अपना कुछ दूसरा काम कर लेंगे। और अब हम पहले ना सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, क्योंकि हमें लगी हुई है बहुत भूख। स्नेहा लेके आई थी तरबूज, अभी नीचे गई थी जब वहाँ से, तो उसको मिल गया। वैसे यहाँ पे मिलते नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा देते हैं, मतलब 30 रुपये किलो सीधा कुछ भी पूछो ना 30 रुपये किलो, और बाज़ार से हम लेके आते हैं सिर्फ 15 रुपये किलो, तो मतलब डबल का डिफरेंस है, इसलिए हम लेके नहीं आते। बट उसको शायद मिल गया कोई अच्छा जिसने रेट सही दे दिया, तो वो ले आई। अभी हम वो खाएंगे, फिर हम चलेंगे अपने दूसरे स्टूडियो की तरफ और वहाँ पे काम कराएंगे। देन फिर हम बाद में भूख लगेगी तो कुछ खाएंगे, और बाकी क्या क्या हमें चीज़ें वहाँ लगवानी है ना वो एक जाके वहाँ पे देख लेंगे, अंकल को बता देंगे, वो सजेस्ट कर देंगे, तो हम इलेक्ट्रिशियन की जो शॉप है वहाँ से वो भी सब लेके वहाँ पे अंकल को दे देंगे, ताकि वो सारा सब आज जो है ना बिजली का काम वो सब ख़त्म कर दें। चमक गया भाई, चमक गया ये, इसके पीछे बहुत गंदा हुआ पड़ा था, एकदम चमक गया है, ये भी साफ हो गया है। और बूनू देख रहा है, बूनू ये रहा,
स्टैंड भी हमने यही उतरवा दिए, बाद में दूसरे लगा लेंगे। ये रहा गोनू, गोनू पकड़ी पहलवान। आज का जो दिन है भाई बहुत ही बिजी, बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला दिन है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हम एग्जैक्टली अभी कुछ लेके आ रहे हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। बट कुछ लोगों को हिंट पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कुछ को देखने को बाद में मिलेगा, कुछ समझ गए होंगे वो अपने सबके एक खुद के एजम्पशंस भी होंगे। तो बाकी बट मैं थोड़ा सा मतलब अभी 2-3 दिन लगेंगे तब हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि हम कर क्या रहे हैं। और ये हमारा ए सी दोबारा से इंस्टॉल हो गया है। ये देखो भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये पड़ा हुआ ब्रूनो और पता नहीं चल रहा कि ये कौन पड़ा है। मतलब अगर ये थोड़े से बड़े फूल बने हो अगर इस कवर पे या बेडशीट पे तो भाई इसमें कैसे ढूंढ लेंगे हम इसको, बताओ जरा। गुस्सा हो जाता है भाई, ये बहुत गुस्सा हो गया है। ये इसलिए क्योंकि नीचे लेके गए थे लेकिन फ्रेश नहीं हो गया, बहुत देर घुमा है, आधा घंटा घूम लिया और ऊपर से मुंह भी बना लिया। डांट खाइए, पिटा थोड़ी है। जब तू इधर देख ले, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा नीचे। अब इसको मनाना पड़ेगा, अभी मना के सुलाएंगे हम इसको। और ये हो गया है भाई ब्रूनो गुस्सा, अपने पापा से हाथ नहीं लगाने दे रहा भाई। कि गुस्सा क्यों है अभी बताती हूँ। गुस्सा इसलिए है कि करण ने इसके ना, इसको परफ्यूम लगाना पसंद नहीं है, करण ने इसको आज परफ्यूम लगा दिया। तो अब ये बेड पे चढ़ा हुआ है, पूरा परफ्यूम ऐसे लोट पोट होके पोंछ दिया इसने। और अब करण को ना पास भी नहीं आने दे रहा कि मेरे परफ्यूम कैसे लगाया। ये देखो हाथ नहीं लगाने दे रहा, काट रहा है। बोलो क्या हो गया, पापा ने परफ्यूम लगा दिया क्या? आपको पता है ना मेरे को पसंद नहीं है, क्यों लगाते हो? मैं कोई गंदा बच्चा हूँ? तू आई हूँ तू ले। मेरे को कुछ नहीं कह रहा। और ये स्नेहा को कुछ नहीं कह रहा। ये देखो इससे प्यार कर रहा है और मैं अभी फिर से हाथ लगाऊंगा ना मेरे पे गुस्सा करेगा। ये देखो देखो प्यार कर रहा है, इसको प्यार कर रहा है लेकिन मेरे को वो हाथ नहीं लगाने देगा क्योंकि मैंने इसको परफ्यूम लगाया था कि तूने लगाया ना, तू मेरे से बात मत कर। ये इसका गुस्सा होना है भाई। लगा दिया था बोलू, पापा ने परफ्यूम लगा दिया था, गुच्छा कर दू पापा को, कर दू गुस्सा। बीबी तेको परफ्यूम लगाना पसंद ही नहीं है, है ना? क्यों लगाया भाई? ये देखो क्या भाई? ये पूरा लोटपोट हो रहा है, कंबल मतलब उखाड़ दे इसने। कह रहा मैं हटाऊंगा सारा परफ्यूम। आ जा घुस के कंबल के अंदर। पापा पाशाला नहीं आएगा, गुस्सा है। बोलो पापा की गुस्सा हो गया तू। ये देखो ये तो भाई, एक तो इसके बाल कटवा दिए करण तुमने, हैं ऊपर से तुम इसको परफ्यूम लगा रहे हो। दो दो बार गुस्सा हो जाएगा अब। दो दो चार हो गए। ये क्या कर रहा है तू? ये क्या खुद ही मचा रहा है? बोलो ये क्या कर रहा है तू? परफ्यूम जे कहां घुस रहे तू भाई? ये पागल हो गया ये। ओए ये बना क्या दिया इसने, अभी तय करके रखा है। बुना चलो भाई चलो चले, तो नीचे बेड आ जाएगा, गिर जाएगा तू नीचे। कहां कर रहा है तू? गुस्से में देख रहा है करण को। कह बुनो अच्छा सुन मेरी बात, पहले मेरी बात सुन। क्या किया पापा ने? पापा जा रहे हैं फिर, जाएगा जा, जा, जाना। मैं नहीं जाऊंगा पापा के साथ। जाएगा? नहीं जाऊंगा। क्या किया पापा? गुस्से में, पूरा गुस्से में। देखो इसका इसकी इसका मुंह देखो, देखो 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 जरा, गुस्सा हो रहा है, पूरा गुस्सा हो रहा है। मुनो इधर दिखाओ अपनी शक्ल। देखो अभी भी नहीं हाथ लगाने दे, अभी काट रहे हैं। यार हाथ मत लगा देना मेरे को। देखो मुनो हमारा भाई बहुत गुस्से वाला है, वैसे बहुत प्यार करेगा लेकिन जब इसको गुस्सा आता है उसको मनाना बहुत मुश्किल है। मेरे से तो बहुत जल्दी गुस्सा होता है, रोज से तो रोज का ही रोज, है रोज ही एक बार गुस्सा हो जाता है मेरे से। ये देखो नहीं मान रहा। अच्छा चल मान जा बुनू, मान जा, पागल ले। नहीं मानूंगा भाई साहब, इसके ऊपर पड़ा हुआ भी नहीं पता चल रहा कौन पड़ा है। इसका और ब्लैंकेट का कलर सेम सेम लग रहा है। बुनो यार समझ ही नहीं आ रहा, ये कंबल रखी है ये तू है। आ जा तो मान जा, आ जा आ जा पापा पास, आ जा मेरे बेटा। प्यार करने के लिए तो आ जाता है।
चलो भाई मान गया ब्रूनो, मान गया मान गया, दो मिनट के लिए माना है जब तक पापा की नोजी मिल रही है। भाई ऐसे थोड़ी गंदा बच्चा है। मान गया ब्रूनो, मान गया भाई, मान गया। ब्रूनो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत गुड बॉय है ब्रूनो, बहुत गुड बॉय है, प्यारा सा है ब्रूनो। लेकिन ना हमें ना ये बड़े वालों में ही अच्छा लगता है। इसमें जो टुंगू लग रहा है। चलो इसको खुद भी पसंद नहीं है इसके छोटे बाल। चलो 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 भाई चलो। ये फाइनली हम वापस से अपने स्टूडियो आ चुके हैं। और भाई मैं बहुत थक गया हूँ, स्नेहा भी थक गई है। मुनु तो पहले ही घोड़े बेच चुका है क्योंकि दिन में उसको रेस्ट नहीं मिला। और अभी मैं भी सो रहा हूँ, कल फिर हमें कुछ और कुछ काम करना है और कुछ मार्केट भी जाना है। सो लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करेंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।